फोटोशॉप ट्यूटोरियल वीडियो श्रृंखला में इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको फोटोशॉप 7.0 में 4x6 शीट में फोटो एडिट करना सिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम कंप्लीट पूरा प्रोसेस समझेंगे कि जो 4x6 की शीट है उसमें किस प्रकार से आपको फोटो एडिट करना है और उसमें क्या क्या आपको रेजोल्यूशन रखनी है। तो कंप्लीट वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप एक फोटो देख पा रहे हो और ये 4x6 की एक सीट है। तो इस प्रकार एक फोटो हम स्टेप बाय स्टेप बनाना सीखेंगे। तो मैं इसको यहाँ से बैक दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ इन दोनों को यहाँ से बैक किया, ये है, इसको भी बैक किया। अब आपको जो है अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में आपको एडोब फोटोशॉप 7 आप जो भी यूज़ करते हो वो ओपन कर लेना। तो मैंने यहाँ ऑलरेडी ओपन कर रखा है। अब हम अपनी फाइल में से एक फ़ोटो सेलेक्ट करके इसमें ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से एक फ़ोटो, ये वाला फ़ोटो मैं यहाँ चूज कर लेता हूँ। इसको जो है यहाँ से पकड़ के फोटोशॉप में ओपन कर लेना। तो इस प्रकार से फ्रेंड, आपको भी एक फ़ोटो, कोई सा भी आपको जो भी फ़ोटो एडिट करना हो उसको अपने जो एडोब फोटोशॉप 7 है उसमें खोल लेना है। इसको खोलने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको क्रॉप वाला जो टूल बार है वो सिलेक्ट कर लेना है। यह सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको रेजुलेशन और इसकी लेंथ और हाइट फिक्स कर लेना। तो यहाँ आपको इसकी अगर लेंथ की बात करें तो आपको यहाँ लेंथ 3.5 रखनी है और इसकी हाइट की बात करें 4.5 सेमी रखनी है। और रेजुलेशन, यहाँ आपको रेजुलेशन का ध्यान रखना है। यहाँ आपको अगर 200 भी दे सकते हो या 300 भी दे सकते हो। मैंने यहाँ पर 300 रेजुलेशन रखा है। अगर आप 300 रेजुलेशन रखते हो तो आपको जो न्यू फाइल यहाँ से ओपन करते हो यहाँ से, तो उसमें भी आपको 300 रखना है। और अगर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप अगर 200 रेजुलेशन रखते हो तो आपको न्यू फाइल में भी 200 रखना है। उसके बाद में यहाँ पिक्सल में आपको और नीचे वाला सेमी वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। तो इस प्रकार से हमने जो क्रॉप वाला टूल है उसमें ये लेंथ और हाइट फिक्स कर लिया। अब ये जो फोटो, इसको हम क्रॉप करेंगे। तो यहाँ से आपको इस फोटो को क्रॉप कर लेना है। आपको जितना भी फोटो रखना हो या आपको यहाँ से क्रॉप कर लेना है। तो मैंने यहाँ इस फोटो को यहाँ से क्रॉप कर लिया। तो ये इतना सा फोटो मैं यहाँ से इसको क्रॉप कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ इसको क्रॉप किया तो मेरा जो फोटो था वो क्रॉप हो चुका है। अब आपको ये सेलेक्ट टूल बार सेलेक्ट करना है और उसके बाद में जो ये पूरा फोटो, इसको पूरे को सेलेक्ट कर लेना। पूरे को सिलेक्ट करके आपको कंट्रोल सी प्रेस करना है। तो जो ये हमारा फोटो है वो कॉपी हो जाएगा। या फिर फ्रेंड्स, आपको माउस का राइट बटन क्लिक करना है, उसके बाद में यहाँ लेयर व्यू एंड कॉपी पे क्लिक करना है। तो हमारा जो फोटो था वो कॉपी हो जाएगा। तो आपको यहाँ से इसको मिनिमाइज करना है। उसके बाद में यहाँ फाइल वाले ऑप्शन पर आके न्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो न्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको एक फाइल ओपन कर लेनी। तो अगर आप यहाँ 4x6 की सीट में अगर प्रिंट करना चाहते हो या फोटो एडिट करना चाहते हो 4x6 की ले लेना, या फिर आप A4 साइज़ की लेना चाहते हो तो A4 साइज़ की ले सकते हो। अगर फिर आप A4 साइज़ की सीट में फ़ोटो बनाना चाहते हो तो उसका मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप उसको विजिट करके आप पता कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो कि किस प्रकार से A4 साइज़ में फ़ोटो बना सकते हैं। तो मैं यहाँ 4x6 की सीट ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद में आपको यहाँ पिक्सल में या सेंटीमीटर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में यहाँ आपको रेजुलेशन देना है 300। अगर फ्रेंड्स आप फोटो में 200 रेजुलेशन देते हो तो यहाँ आपको 200 देना है, और अगर वहाँ पर भी आप 300 देते हो तो यहाँ पे आपको 300 देना है। उसके बाद में यहाँ RGB कलर वाला है, इसको रहने देना है। उसके बाद में आपको पेपर सेलेक्ट करना है, वाइट रखना है या ट्रांसपेरेंट, तो वाइट में सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो फाइल थी 4x6 की वो यहाँ पर ओपन हो चुकी है। अब फ्रेंड्स, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ कंट्रोल वी प्रेस करना है तो हमारा जो फोटो कॉपी किया था वो इसमें पेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ हमने कंट्रोल वी प्रेस किया तो हमारा जो फोटो था वो यहाँ पे कंप्लीट कॉपी हो चुका है। अब फ्रेंड्स, इसको हम लेयर के हिसाब से जमाना शुरू करेंगे। तो इसको लेयर बाय लेयर जमा के हम जो 4x6 की सीट है उसको कंप्लीट करेंगे। तो हम यहाँ इसको रोटेट कर लेते हैं। तो आपको यहाँ से इसको रोटेट कर लेना है। तो मैं यहाँ इसको रोटेट कर लेता हूँ। तो आपको इस वाले फोटो को पकड़ के यहाँ रोटेट कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको पिक्स रोटेट कर लेना है यहाँ से आपको। तो ये मेरा जो फोटो था वो रोटेट हो चुका है। तो यहाँ पर आपको इसको हल्का सा बॉर्डर से थोड़ा दूर रखना है ताकि जो प्रिंट के वक्त कटे नहीं। तो इस प्रकार से हमारा जो फोटो था वो सेट हो चुका है। उसके बाद फ्रेंड्स, इस फोटो को एक बॉर्डर देनी है। तो बॉर्डर देने के लिए आपको यहाँ एडिट वाले ऑप्शन पर आना है। उसके बाद में स्ट्रोक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। स्ट्रोक वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, इस प्रकार से कलर वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ से आपको कलर सेलेक्ट करना है, आप जो भी कलर रखना चाहते हो। तो मैं यहाँ ब्लैक बॉर्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको अपने हिसाब से कोई सा भी कलर यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ लेंथ पर आप 4 या 5 रख सकते हो। उसके बाद में ओके करेंगे तो हमारे जो फोटो था उसके चारों ओर बॉर्डर आ चुकी है।
उसके बाद फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा आपको यहाँ से एक लेयर पकड़ के यहाँ पे लाना है। तो यहाँ से मैं यहाँ एक लेयर पकड़ के और इसमें ले आता हूँ, तो यहाँ से जो हमारा फ़ोटो था वो बिल्कुल एक डायरेक्शन में कंप्लीट आ जाएगा। तो यहाँ से इस फोटो की इस लेयर को पकड़ के आपको यहाँ फोटो पे रख लेना है, तो यहाँ इस प्रकार से रख लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स ये जो फोटो इसकी कॉपी करके आपको लेयर बना लेना, तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको अल्ट प्लस माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करना है। तो अल्ट को प्रेस करने के बाद माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करोगे तो हमारे सामने जो फोटो था उसकी जो एक कॉपी बन जाएगी। तो इस प्रकार से वापस से आपको अल्ट प्लस माउस का लेफ्ट बटन दबा के इसको कॉपी कर लेना, तो इस प्रकार से हमारी जो लेयर है वो बनती चले जाएगी। तो इसको एक बार और से हम अल्ट प्लस ये दबा के कॉपी कर लेते हो। तो इस प्रकार से फ्रेंड हमने जो फोटो थे उनकी एक लेयर कंप्लीट कर ले। उसके बाद फ्रेंड्स हमारी जो लेयर है इसको मर्ज करना है, तो मर्ज करने के लिए हमें लास्ट वाले जो फोटो था उस पर क्लिक करना है, उसके बाद में कंट्रोल प्लस ई प्रेस करना है, तो हमारी जो लेयर है वो मर्ज होती चली जाएगी। तो यहाँ आपको शो हो जाएगी मर्ज लेयर होगी जो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। तो हमारी जो लेयर थी वो कंप्लीट मर्ज हो चुकी है। मैं आपको यहाँ इनको बता देता हूँ, इस प्रकार से हमारे सारे फोटो एक साथ में इधर उधर जाने लगे। तो आपको इस प्रकार से आपकी जो लेयर थी उसको मर्ज कर लेना है। अब उसके बाद फ्रेंड्स ये जो लेयर थी उसको कॉपी करके इधर वाले पोजीशन पे लेके आना है। तो इसको आपको कंट्रोल प्लस माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके इसको कॉपी करके यहाँ ला सकते हो। तो आपको कंट्रोल प्लस माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करना है, तो इस प्रकार से जो हमारी फाइल थी वो यहाँ कॉपी होके आ जाएगी। तो आपको इसको वापस से यहाँ फिक्स कर लेना है। तो इस प्रकार से जो आपको गैप रख देना बीच में थोड़ा सा। इस प्रकार से हमारी 4x6 की फ़ोटो थी वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। तो इस प्रकार आप अपने जो फोटो है उसको आप एडिट कर सकते हो, प्रिंट के लिए रेडी कर सकते हो। अब उसके बाद फिर आपको कुछ नहीं करना, सीधा आपको यहाँ से फाइल वाले ऑप्शन पर इसको यहाँ से सेव भी कर सकते हो या फिर यहाँ प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके प्रिंट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स फोटोशॉप ट्यूटोरियल का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो और इसी तरह के वीडियो और भी पाना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना, ताकि हमारे चैनल पर जैसे नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।